ऑलराइट, तो आने वाले कुछ दिनों में इंडिया में दो ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं जिनका ऑलरेडी तगड़ा हाइप बन चुका है। पहला है पोको F6 5G एंड दूसरा है Realme GT 60। दोनों ही स्मार्टफोन आपको इसी महीने इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं एंड दोनों ही जो स्मार्टफोन्स हैं आपको तकरीबन 30,000 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेंगे। तो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन का आपको वेट करना चाहिए, आज के वीडियो में दोनों स्मार्टफोन्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं कि दोनों स्मार्टफोन्स में आपको क्या क्या माल मसाला मिलने वाला है एंड दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन किन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, सारी चीज डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड गाइस ऐसे ही कंटेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों फोन्स के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को। दोनों ही फोन्स में आपको तगड़ा और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलेगा। भाई बिल्ड क्वालिटी में आपको दोनों फोन्स में शिकायत नहीं आएगी। पोको F6 5G की अगर बात करें तो यहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिलेगा, IP64 की रेटिंग मिलेगी, काफी स्लिम फोन है, काफी लाइट वेट है, 179 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है एंड 7.9 mm की थिकनेस है, स्लिम है, लाइट वेट है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। Realme GT 60 की अगर बात करें तो यहां पर आपको IP65 की रेटिंग मिलेगी लेकिन कंपैरेटिवली ये जो फोन है थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा मोटा है, 8.7 mm की थिकनेस है एंड 191 ग्राम्स के आसपास फोन का वेट है। सो यस, थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा भारी है Realme GT। पोको F6 आपको काफी लाइट वेट एंड काफी स्लिम मिलता है एंड डिजाइन की अगर बात करें दोनों ही फोन अपनी अपनी जगह काफी गुड लुकिंग है। दोनों ही फोन में आपको टाइटेनियम फिनिश देखने के लिए मिलता है। पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे Realme GT 60 का डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा एलिगेंट है एंड थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन डिजाइन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं अपना अपना टेस्ट होता है भाई। पोको F6 5G का डिजाइन भी आपको पसंद आ सकता है एंड अगर आपका नजरिया अलग है तो आपको Realme GT 60 का डिजाइन पसंद आएगा। डिजाइन वाइज दोनों फोन अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों फोन अच्छे हैं, दोनों में से किसी भी तरफ आप जा सकते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। पोको F6 5G में आपको मिलेगा 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, 1.5 के यहां पर आपको रिजोल्यूशन मिलेगा एंड 12 बिट का AMOLED पैनल मिलेगा। लेकिन यहां पर जो आपको पैनल दिया गया है वो LTPS AMOLED पैनल मिलता है, LTPO पैनल यहां पर नहीं दिया गया है, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ 2400 nits की यहां पर आपको ब्राइटनेस मिलती है एंड 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट दिया गया है। HDR10 Dolby Vision सभी का सपोर्ट आपको मिलता है, कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा। लेकिन LTPS पैनल जो है Realme GT 60 में मिलने वाले LTPO पैनल के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक रहता है। Realme GT 60 की अगर बात करें तो यहां पर आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, 1.5 के रिजोल्यूशन यहां पर भी आपको मिलेगा, 10 बिट का पैनल यहां पर आपको मिलेगा एंड LTPO AMOLED पैनल दिया जाएगा। अब LTPO AMOLED की खासियत यह है कि एक तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है, साथ ही साथ ये जो पैनल है एनर्जी एफिशिएंट भी रहता है। उसी के साथ में यहां पर आपको HDR सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, प्रो HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले है, 6000 nits की ब्राइटनेस यहां पर आपको मिलेगी एंड साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है Realme GT 60 में आपको बेटर डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगी। हां, Poco F6 में आपको 12 बिट का डिस्प्ले मिलता है लेकिन वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना LTPO AMOLED पैनल मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से Realme GT 60 के अंदर आपको बेटर डिस्प्ले मिलता है। इसके बाद में परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे, Poco F6 5G के अंदर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट। अब ये जो चिपसेट है मॉन्स्टर चिपसेट है भाई साहब, 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, 1.5 मिलियन के आसपास इसका एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है, LPDDR5X रैम मिलता है, UFS 4.0 मिलता है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, परफॉर्मेंस में कहीं से कहीं तक कोई शिकायत नहीं आएगी, मॉन्स्टर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। वहीं पर Realme GT 60 की बात करें तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 7 Plus Generation 3 चिपसेट मिलेगा। अब ये भी जो चिपसेट है अच्छा खासा पावरफुल है भाई, 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है, एंड्रॉइड स्कोर जो आते हैं वो आते हैं तकरीबन 1.3 मिलियन के आसपास, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है, तकरीबन 2 लाख पॉइंट्स का आपको डिफरेंस मिलता है। लेकिन हां, Poco F6 5G में आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। Realme GT 60 की बात करें, LPDDR5X RAM यहां पर भी आपको मिलता है, UFS 4.0 का स्टोरेज भी मिलता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों फोन्स में आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन कंपैरेटिवली Poco F6 5G जो है वो थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है, थोड़ा सा ज्यादा यहां पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके बाद में कैमरास की अगर बात करें तो Poco F6 5G में आपको 2 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा, प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का, यहां पर आपको सोनी का LYT 600 सेंसर मिलेगा एंड OIS का सपोर्ट मिलेगा।
साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस IMX355 के साथ में। रियर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS पर। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, लेकिन सेल्फी कैमरा से केवल 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 60 FPS तक। वहीं पर बात करें हम Realme GT 6T की, तो यहां पर भी आपको डुअल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा, जहां पर आपको सोनी IMX882 सेंसर मिलेगा। OIS का सपोर्ट भी यहां पर आपको दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा IMX355 के साथ में। एंड रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS पर। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। एंड अच्छी बात यह है कि सेल्फी कैमरा से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। अब सेंसर्स की अगर बात करें, पोको F6 5G में आपको मिलता है LYT 600, Realme GT 60 में आपको मिलता है IMX882। दोनों ही जो सेंसर है एग्जैक्टली सेम है, इमेज आउटपुट भी आपको लगभग एक जैसे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल अगर देखा जाए तो Realme GT 60 के अंदर आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा मॉड्यूल मिलता है, थोड़ा सा बेटर सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड सेल्फी कैमरा में आपको 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से कैमरा वाइज Realme GT 60 बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करें तो पोको F6 5G में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही में 90 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 90 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। Realme GT 60 में आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, तो बैकअप यहां पर आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक तो LTPO पैनल दिया गया है जो कि एनर्जी एफिशिएंट होता है, 4 नैनोमीटर का चिपसेट है, 5500 mAh की बैटरी है, बढ़िया बैकअप आपको मिलेगा, 100 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 100 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। ओवरऑल मॉड्यूल भी अगर कंपेयर करें तो Realme GT 60 के अंदर आपको बेटर बैटरी मॉड्यूल मिलता है। इसके बाद में दोनों ही फोन में चार्ज करने के लिए आपको टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक तो आपको दोनों ही फोन्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों फोन्स में आपको मिलेगा, फेस अनलॉक मिलेगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स आपको मिलेंगे, तो सेंसर्स में आपको दोनों ही फोन्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, पोको F6 5G आपको मिलेगा एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा HyperOS एंड HyperOS के ऊपर आपको मिलेगा पोको लॉन्चर। अब पोको लॉन्चर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है, अगर बेसिक आपको HyperOS दिया जाता तो वहां पर आपको बेटर फील आता है, पोको लॉन्चर थोड़ा सा फोन को क्लटरी सा बना देता है। वहीं पर अगर हम बात करें Realme GT 60 की, तो यहां पर भी आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा Realme UI 5.0। अब ब्लोटवेयर तो यहां पर भी आपको मिलते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है वो थोड़ा सा क्लीन रहता है, थोड़ा सा नीट रहता है। सो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर वाइज अगेन Realme GT 60 थोड़ा सा बेटर रहेगा। अगेन मैं वही बोलूंगा भाई, सॉफ्टवेयर अगेन अपना अपना टेस्ट है, हो सकता है पोको लॉन्चर आपका फेवरेट हो, आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पोको लॉन्चर की बजाय अगर HyperOS होता तो ज्यादा बेटर रहता। कंपैरेटिवली अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो Realme UI 5.0 थोड़ा सा बेटर लगता है। साथ ही साथ अपडेट्स की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको 2-2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, दोनों ही फोन्स में आपको 3-3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो अपडेट वाइज भी फोन दोनों बढ़िया रहने वाले हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, दोनों फोन का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आउटस्टैंडिंग रहने वाला है, तो वहां पर भी आपको शिकायत नहीं आएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए दोनों फोन्स एज अ पैकेज काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, लेकिन जब हम दोनों फोन्स को कंपेयर करते हैं तो हमको पता पड़ता है भाई साहब कि कौन सा स्मार्टफोन किन के लिए बेटर है। जैसे पोको F6 5G की अगर बात करें तो अगर आपको स्लिम एंड लाइटवेट फोन लेना है तो पोको F6 5G की तरफ आप जा सकते हैं, या फिर आपको तगड़ी परफॉर्मेंस वाला फोन लेना है तो आप पोको F6 5G की तरफ जा सकते हैं। लेकिन Realme GT Neo 60 मेरे हिसाब से एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जहां पर आपको डिजाइन बहुत अच्छा मिलता है, यहां पर आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा दिया गया है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, कैमरास यहां पर पोको F6 के कंपैरिजन में आपको बेटर मिलते हैं, बैटरी मॉड्यूल आपको पोको F6 के कंपैरिजन में बेटर मिलता है, एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर केवल और केवल आपको गेमिंग करनी है तो पोको F6 5G आप परचेस कर लो, लेकिन अगर आपको 30,000 के आसपास एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है देन मेरे हिसाब से Realme GT 60 बेटर चॉइस रहेगा। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार हैं, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय। We'll be right back.